एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं जादू टोना करके मर्दों के साथ बनाती है संबंध। इस देश की लड़कियों को भारतीय लड़के ज्यादा पसंद है और इस देश में शादी के दौरान सभी बाराती को दुल्हन के साथ ये रस्म निभानी पड़ती है और इस देश की इकोनॉमी यहाँ की लड़कियों की वजह से ही चलती है। इस देश की कब्रिस्तान भी रंग बिरंगी है और इस देश में एक ऐसी बिल्डिंग है जो स्पेस से भी नजर आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमानिया के बारे में। रोमानिया शब्द असल में रोमेनुस शब्द से आया है जिसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। ये एक बहुत ही पुराना देश है। रोमानिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1,98,92,000 है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इस बात को लेकर सरकार भी काफी चिंतित है। ये देश 2,38,397 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 86 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। देश की टोटल जीडीपी 350 बिलियन डॉलर के आसपास है और यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ के लोग सालाना करीब 13,000 डॉलर कमाते हैं। ये रकम यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले आपको थोड़ी कम लगेगी, लेकिन रोमानिया के लोगों का मानना है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में सबसे जरूरी चीज है शांति, जो इस देश में आपको हर जगह मिल जाएगी। ये बहुत ही शांतिप्रिय देश माना जाता है। यहाँ के लोग भी शांत स्वभाव के ही होते हैं। हालांकि मौज मस्ती की जब बात आती है तो यहाँ के लोग सबसे आगे रहते हैं। रोमानिया के लोगों को पार्टी करना काफी पसंद है, पर छोटी छोटी बात पर वहाँ के लोग वाइन और बियर के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। यह देश साल में सबसे ज्यादा शराब सेवन करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। साथ ही वाइन और बियर का प्रोडक्शन भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोमानिया में आज भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं और मक्के का उत्पादन होता है। साथ ही ऑयल रिफाइनरी की पहल करने वाले शुरुआती देशों में रोमानिया का नाम भी आता है। दोस्तों, रोमानिया में एजुकेशन पर विशेष महत्व दिया जाता है और यह वजह है कि इस देश का लिटरेसी रेट लगभग 98.90% है। यहाँ के लोग धर्म और कर्म में काफी विश्वास रखते हैं और लोगों के ईश्वर में गहरी आस्था है। देश की अधिकतर आबादी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। लोगों का मानना है कि चर्च में और चर्च के फादर के पास शक्तियाँ होती है और यही वजह है कि लोग अपनी विश लेकर पादरी के पास आते हैं। जब उनका काम पूरा होता है तो पादरी को महंगे उपहार, घर, गाड़ी और कपड़े भी गिफ्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया में काला जादू भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर लोग भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं। इसे दुनिया के सबसे हॉन्टेड देशों में भी गिना जाता है। खास तौर पर लड़कियां काला जादू करने में एक्सपर्ट होती है और यहाँ की सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं करती, बल्कि वह काला जादू करने वाले लोगों से टैक्स लेती है। दोस्तों, रोमानिया की कैपिटल सिटी बुखारेस्ट है और हर राजधानी की कुछ ना कुछ तो खास बात जरूर होती है। बुखारेस्ट की स्पेशलिटी यहाँ के पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और भारी इमारत होने का दर्जा प्राप्त है। अगर आप यहाँ के कब्रिस्तान के बाहर से गुजरेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे कोई पार्क के बाहर से जा रहे हो। असल में यहाँ पर कब्रिस्तान को भी रंग बिरंगी बनाया जाता है। रोमानिया ही यूरोप का पहला देश है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आपको रोमानिया देश कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।